हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि अभी SECL का माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इस वीडियो में SECL के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, जो कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन 1985 में हुआ था WCL से अलग होकर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका बिलासपुर में है, जो कि बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ स्टेट में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस, यानी ये किस तरह का कोयला का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि SECL कोकिंग कोल के साथ नॉन कोकिंग कोल का भी प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा अगर कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए, तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऑपरेटिंग स्टेट के, यानी ये किस राज्यों में ये ऑपरेट करता है। तो ये दो राज्यों में ऑपरेट करता है, जिसके नाम है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग कोलफील्ड्स की, तो ये तीन कोलफील्ड्स में ऑपरेट होता है, जिसके नाम है CIC, कोरबा और मंद रायगढ़। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ एरियाज की, तो इसके टोटल 13 एरियाज हैं, जिनके नाम हैं गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, कोरबा, रायगढ़, विश्रामपुर, बैकुंठपुर, भटगांव, चिरमरी, हसदेव, सुहागपुर, जमुना एंड कोटमा एंड जोहिला। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग माइंस की, यानी इसके कुल कितने माइंस हैं, तो इसके टोटल 70 माइंस हैं, जिसमें 43 माइंस छत्तीसगढ़ में हैं और बाकी 27 माइंस मध्य प्रदेश में हैं। इसके टोटल 48 अंडरग्राउंड माइंस हैं और 22 ओपन कास्ट माइंस हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इसके CMD की, तो इसके CMD अभी हैं AP पांडा, श्री अंबिका प्रसाद पांडा जी हैं। और अगर अभी हम लोग बात करते हैं इसके टारगेट प्रोडक्शन की, तो 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में SECL को टारगेट प्रोडक्शन मिला था 159.50 मिलियन टन। बट अगर अभी हम लोग बात करते हैं एक्चुअल कोल प्रोडक्शन की, तो इसका एक्चुअल कोल प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 था 157.35 मिलियन टन, जिसमें 142.58 ओपन कास्ट माइंस ने किया था और 14.770 मिलियन टन अंडरग्राउंड माइंस में किया था। और नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इसके टारगेट ओवरबर्डन रिमूवल की, इसको कितना टारगेट मिला गया था ओवरबर्डन रिमूव करने के लिए। तो इसको टारगेट मिला था 266 मिलियन मीटर क्यूब का, लेकिन इसने एक्चुअली ओवरबर्डन रिमूव किया है 183.44 मिलियन मीटर क्यूब का। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इसके टोटल मैन पावर की, कि इसके टोटल मैन पावर कितने हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एज ऑफ 31st of March 2019 SECL में कुल मैन पावर है 54,816। अगर बात करी जाए टोटल डिस्पैच ऑफ कोल की, तो यहाँ पर डिस्पैच हुआ था 156.0 मिलियन टन। बात करते हैं इसके प्रोडक्टिविटी यानी OMS की, यानी आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट की, तो इसका ओवरऑल OMS था 11.99 टन्स, जिसमें 31.46 टन्स ओपन कास्ट का OMS था और वहीं 1.72 टन्स अंडरग्राउंड का OMS था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सब्सिडियरीज की, कि इसके कितने सब्सिडियरी हैं। तो इसके दो सब्सिडियरी हैं, एक का नाम है CERL सर्ल और दूसरा का नाम है CEWRL स्वर्ल। तो यहाँ पर ये हो गया सब्सिडियरीज के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ CHP के बारे में, यानी कोल हैंडलिंग प्लांट। तो इसके टोटल 27 कोल हैंडलिंग प्लांट है, जिसमें 30 मेजर हैं और 14 माइनर कोल हैंडलिंग प्लांट हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इसके माइन रेस्क्यू स्टेशन की, कि इसका माइन रेस्क्यू स्टेशन कहाँ पर है। तो ये है मनेंद्रगढ़ में। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग के, तो इसमें टोटल 5 रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, जो है जोहिला में, सुहागपुर में,
विश्रामपुर में, बैकुंठपुर में और कुशमुंडा में। और अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ रेस्क्यू रूम की, तो रेस्क्यू रूम भी सिर्फ 5 हैं, जो है चिरमरी, भटगांव, जमुना कोटमा, रायगढ़ और कोरबा एरिया में। और अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ VTC की, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की, तो ये 17 हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो वह 4 हैं। MDI जो कि बिलासपुर में है, SETI जो कि गेवरा में है, BETI जो कि कोरबा में है, और RTI जो कि विश्रामपुर में है। और अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टर वाइज कोल डिस्पैच की, तो 83.13% पावर सेक्टर में डिस्पैच किया गया था, 1.81% सीमेंट इंडस्ट्री में सप्लाई किया गया था, डिस्पैच किया गया था, 0.46% फर्टिलाइजर में डिस्पैच किया गया था, और अदर्स में 15.60 डिस्पैच किया गया था। और अगर हम लोग बात करते हैं मोड वाइज कोल डिस्पैच की, तो बाई रोड से 45.33% कोल डिस्पैच हुआ था, वहीं रेल से 31.47%, वहीं MGR से 17.32% और कन्वेयर से 4.47%, बाकी अदर्स के माध्यम से डिस्पैच किया गया था। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं HMM पॉपुलेशन की, कि कौन से मशीनें कितनी संख्या में हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा ड्रैगलाइन की। तो ड्रैगलाइन SECL के पास टोटल 4 हैं, सोवेल 84 हैं, डंपर 427 हैं, डोजर 165 हैं, ड्रिल 111 हैं, सरफेस माइनर 7 हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं कुछ अंडरग्राउंड मशीनें के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है SECL के संदर्भ में। तो कंटिन्यूस माइनर हैं टोटल 9, जिसमें 8 कंटिन्यूस माइनर हैं और 1 लो कैपेसिटी कंटिन्यूस माइनर है। जो कंटिन्यूस माइनर है वो ऑपरेट हो रहा है कुर्जा में, खैराहा में, पिनौरा में, कपिलधारा में, चर्चा में, विजय वेस्ट में, हल्दीबरी में और विंध्या माइंस में। वहीं 1 लो कैपेसिटी कंटिन्यूस माइनर ऑपरेट हो रहा है रानी अटारी माइंस में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि रिलेटेड हैं SECL से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। पूरे कोल इंडिया लिमिटेड में सबसे पहली बार हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी SECL में ही इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि शारदा ओपन कास्ट माइंस में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बिलोंग करता है सोहागपुर एरिया, इन अप्रैल 2011। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि जो प्रपोज्ड हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी है वो बतूरा ओपन कास्ट के लिए प्रपोजल आया हुआ है। अब ये देखना है कि कब बतूरा ओपन कास्ट में हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी से कोयला का एक्सट्रैक्शन हो पाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं माइन राइडिंग सिस्टम के बारे में। तो इसके पास टोटल 13 माइन राइडिंग सिस्टम्स हैं, जो कि चर्चा माइंस में है, सिंघाली माइंस में है, बगदेवा में, बिहार बांध में, पिनौरा में, कुर्ज शीतलधारा, बंगावर में, शिवानी में, नौपारा, झीलमिली, झिरिया और राजेंद्र माइंस में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो लार्जेस्ट सॉवेल इस्तेमाल हो रहा है कोल इंडिया लिमिटेड में, वो SECL में ही इस्तेमाल हो रहा है गेवरा माइंस में, जिसकी कैपेसिटी है 42 मीटर क्यूब। इसके अलावा जो लार्जेस्ट डंपर इस्तेमाल हो रहा है कोल इंडिया लिमिटेड में, वो भी गेवरा में ही इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी कैपेसिटी है 240 टन्स। और जो लार्जेस्ट डोजर है कोल इंडिया लिमिटेड में, वो भी SECL में इस्तेमाल हो रहा है इन माइंस गेवरा, और उसकी जो कैपेसिटी है वो है 850 हॉर्स पावर। इसके अलावा जो सरफेस माइनर है जो SECL में ऑपरेट हो रहे हैं, वो हैं गेवरा में, दीपका में, कुसमुंडा में, छाल में, बरोड में, जमपाली में और महान 2 माइंस में। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडियरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, वो SECL ही है। इसके अलावा कुछ मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, जो कि अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला जो फुल फॉर्म है वो है MDI का, जो कि एक प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। तो MDI का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद है SETI, SETI का फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्सकवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट है BETI, BETI का फुल फॉर्म है बेसिक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है RTI, RTI का फुल फॉर्म है रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो फुल फॉर्म है वो है SERL का, जो कि एक सब्सिडरी है SECL की। इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड। उसके बाद SWRL की, SWRL का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड।
उसके बाद जो नेक्स्ट फुल फॉर्म आता है वो है एमजीआर का फुल फॉर्म है मेरी गो राउंड। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसईसीएल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या थॉट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा और भी माइनिंग से रिलेटेड जानकारियाँ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टा मोजो पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। सो टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।